की तैयारी होगी क्या? चल रहा है। डाल दिया सब चीज? थोड़ा बाकी है, कैमरा में सामान आना बाकी है। वो सब चीज नोट करके डालो, वो जरूरी है। नर्वस फील कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ट्रैक पे। वो थोड़ा बहुत होता है लेकिन करना नहीं है, पॉजिटिव रह के जाना है, नया अनुभव होगा वहाँ पे। सी लेवल से 12,500 फीट ऊंचा है। तो क्या होगा? ब्लैक हेड वाला भी बर्फ बहुत भयानक हो रहा है। जैसा भी मम्मी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए। मेरी उम्र अभी 22 साल है और 22 साल की उम्र में मैंने आज तक बर्फ के नाम पर सिर्फ फ्रिज का बर्फ देखा है। सो टू एक्सपीरियंस द रियल स्नोफॉल मैं जा रहा हूँ केदारकंठा ट्रैक, जहाँ पे अभी टेम्परेचर -20°C। मैं अपने जितने भी एडवेंचर्स पे जाता हूँ ना, तो एक एक्साइटमेंट सी रहती है हर एक नई जगह के लिए, और डर बहुत कम होता है। लेकिन आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ डर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर अभी -20° से -30°C तक है, और एक दिन बर्फ तो अगले दिन बारिश। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी आप मेरा रूम देखो, काफ़ी ज़्यादा मैसी है, और ये मेरा बैग है, इस बैग में सारा सामान भरना है। उसके पहले इसमें बहुत सारी एंग्जाइटी और बहुत सारा नर्वसनेस भर चुका है, क्योंकि मतलब ऐसा है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, पूरा ट्रैकिंग आउट ऑफ द सिलेबस है, 100 डेज 100 वीडियोज आउट ऑफ द सिलेबस है, मतलब सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। इससे ज़्यादा हम 12 का बोर्ड्स में भी नर्वस नहीं था जितना हम आज नर्वस है गाइस। मतलब आप मेरे मुस्कान से देख रहे हो कि मैं हंस रहा हूँ, लेकिन गंदा फटा हुआ है यार, गंदा फटा हुआ है। सो अभी मैं और द थिंग इज दैट सबसे बड़ा बीटी के बाद पहले मैं बताता हूँ, जो आप लोगों के साथ ना हो अगर आप लोग ट्रैकिंग करने वाले हो तो ये जो बैग है ये ऑलमोस्ट 45 लीटर्स का बैग है, ठीक है। एंड एज अ क्रिएटर मेरे पास अभी इतना सारा सामान है, मेरे पास जो मतलब 2 से 3 स्टिक्स है जो कि मेरे को लेना है। मेरे पास GoPro है, GoPro का सामान है, उसका गिम्बल है, बैटरीज है, ये सब चीज़ है। तो इसके लिए मेरे को 60 लीटर्स का बैग चाहिए। मेरा बैग है 45 लीटर्स का, तो पहला बीटी यहीं पर हो गया। बट ठीक है, अपने कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे 45 लीटर्स का, क्योंकि अभी नया बैग के लिए फिर एक्स्ट्रा मनी स्पेंड हो जाता है, जो कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को अभी और भी बहुत सारी जगह घूमना है। सो जो बैग है उसी में हम लोग काम चला रहे हैं। सो गाइस, कुछ भी टोटो वोटो कुछ नहीं मिला, ऑटो वाटो कैसे तैसे हम लोग देहरादून स्टेशन आए। अब हम लोग स्टेशन से सीधा जा रहे हैं उधर उस पार। सो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये अभी, बाप रे बाप। ये करना नहीं चाहिए बट हम लोग करना पड़ रहा है, कुछ उपाय नहीं है। सो पैर में भी लग गया एक जगह बहुत तेज। अब एक जन बोला है कि यहाँ से जन निकल सकते हैं अभी हम लोग, तो अभी हम लोग वहीं से निकलते हैं। और ये कुत्तों से तो मेरी गंदी फटती है भाई, और ये बेंच मेरे पास ही आ रहा है। पर जय के घर में भी एक कुत्ता है, जय भी एक कुत्ता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कुत्ते कुत्ते मिलके बचा लेंगे मेरे को। अभी ये कहाँ आ गए भाई? सो गाइस अभी गाड़ी में बैठते हैं, फिर करते हैं, अभी टेंशन का माहौल है बहुत। सो गाइस गाड़ी में बैठ चुके हैं हम लोग, दो जन और हैं। सो स्टे ट्यून गाइस। हाँ जी गाइस, देखो हम लोग अभी कहाँ है, चल इधर आ, चल इधर आ। सो गाइस अभी आधा रास्ता हम लोग कवर कर चुके हैं, और हम लोग गड्डी हो चुका है ख़राब। सो जिधर जय रहेगा वहाँ बीटी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता गाइस। सो अभी वहाँ पे हम लोग गड्डी ठीक हो रहा है, और अभी सब हम लोग हथियार निकाल चुके हैं, अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म हम लोग लेके आ रहे हैं अपने अंदर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब, और वहाँ पर गधा जय का दोस्त। सो जय कैसा लग रहा भाई? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। कुछ और बोल इसके अलावा, ये तो रोज ही बोलता है, तो कोलकाता में बोलता है, अलग एक्सपीरियंस है ना भाई। भाई इतना शांति है भाई, पीस है भाई, इसी के लिए तो आते हैं यहाँ पे। बट हम पीस के लिए आया था, बट क्योस मेरे साथ घूम रहा है। तुम खुद घूम रहे हो अपने साथ भाई, जिंदगी जीवन भर। चुप रह, कवर मत कर। सो अभी आपको ड्राइवर भैया से ही मिलाएंगे हम लोग, ड्राइवर भैया वहाँ पे। ड्राइवर भैया अभी उनसे ही मिलाते, अभी गाड़ियाँ काम कर रहे हैं भैया। हाथ दिखा दीजिए भैया ऊपर से। सो गाइस अभी भैया इतना अच्छा गाड़ी चलाते हैं, वो क्या बोले, मज़ा आ गया। अब कुछ खाते पीते भी है, सो स्टे ट्यून गाइस। सो गाइस जो मच नीडेड चीज़ था अभी सबसे ज़्यादा, खाने से भी ज़्यादा, वो है आग, मिल गया। और गाइस जय को इतना ठंड लगा, जय का हाथ पूरा टाइट हो चुका है। अभी तक तो हम लोग पहाड़ पे भी नहीं गए हैं, उसके बाद भी। तो गाइस सागरी पहुँच चुके हैं, और सागरी पहुँच के अभी हम लोग होटल रूम में एंट्री ले चुके हैं, और अभी व्यू देख लो यहाँ से सागरी से, काफ़ी तगड़ा व्यू है। सो अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, बहुत भूख लगा है, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, 3-4 डिग्री है, 5-6 डिग्री तो आराम से होगी यहाँ। गाइस इस ठंड में चाय मिल गया है, सुकून मिल गया है, और यहाँ तो भाई लोग भी हम लोग को मिल चुके हैं। हेलो बोल भाई व्लॉग में, भैया हेलो बोलो व्लॉग में। भाई इधर इतना ठंड है,
इधर इतना ठंड है, जन्नत मिल गया यहाँ पे। आग हाथ पूरा देख लो गाइस, अभी जूता ले रहे हैं कल का ट्रैक के लिए सुभारा पे। ये मेरा जूता, ये जय का जूता। और ठंड तो भाई 3 डिग्री था, जय 10 डिग्री फालतू बोला, भयानक ठंड है। हाथ पैर सब पागल हो गया। यहाँ पे सब अभी सामान लेकर ट्रैक का, किसी का 8 नंबर, किसी का 9 नंबर, जो नंबर है सब मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ ये बत्ती भी चाहिए इसको। ओह तो अभी ये सब ले रहे हैं, इसका रेट 5 जितना होगा भी बताएंगे आपको कितना होगा। सो गाइस हाँ सही है। सो गाइस जय वो जैकेट ले रहे हैं, हम लोग ये जैकेट लिए हैं। अभी जूता तो फिक्स हो चुका है, सो अब देखते हैं क्या रहता है सीन। हाय बोलो। हेलो जी, हम लोग का रूम है और देख लो अभी हम लोग सब सामान लेके आए हैं। ये वॉशरूम है अपना, वॉशरूम ही ठीक है। रूम का कंबल इतना ठंडा है ना, मतलब जी फार ठंड है भाई, जी फार ठंड है। और यहाँ पे भयानक -3 डिग्री चल रहा है अभी। उफ। और अभी हम लोग यहाँ से रेंटर्स में लिए, रेंटर्स में हम लोग को लूट लिया गंदा। शूज 400 रुपये भाड़ा, जैकेट 400 रुपये भाड़ा, ट्रैक पेंट 300 रुपये भाड़ा, पैंचो 200 रुपये, ट्रैक पोल 50-150। फिर भी हम कम हम करवा के 1400 रुपये में लाया है टोटल। सो ये हम लोग खरीदे नहीं है, रेंटल जगह। यहाँ पे देखो रेंटल लिखा है इंग्लिश में, रेंटल। सो बहुत ठंड है, जी फार ठंड है। क्या बोलना चाहेगा जय? मत बोल भाई, छू मत अभी। तो गाइस खाना आ गया और सबको भूख है। कैसा लगा तुम्हें खाना भैया? आपको कैसा लगा? मस्त है। विशाल भाई सेम नाम अपना, पहाड़ के हिसाब से तो एक घर ठंड है और खाना गर्म है। बस बस बेस्ट है। जय कैसा लगा, खाया क्या? सो गाइस खाते हैं ऑफिस सीधा रूम में, रजाई में मिलते हैं। तो गाइस डे 1 भाई, कितना डिग्री है अभी? -6 डिग्री है। और हालत अभी ठंडा पानी से जो हम हाथ धोया है ना, फट के हाथ में आ चुका है। जय को देखो, जय को अभी होश आने में टाइम लग रहा है भाई। क्या बोलना चाहेगा, मुंह से बोला नहीं जा रहा उसे। और गाइस हम लोग के यहाँ का व्यू देख लो, होटल से पूरा पहाड़ वहाड़ दिख रहा है। तो आपको अभी हम दिखाते हैं पहाड़ असली वहाँ जाके। सो चलो भाई, एक्साइटमेंट लेवल कितना है या फटा हुआ है? फिलहाल तो सोच रहा हूँ भाई नहाऊं कि नहीं नहाऊं। मैं तो नहीं नहा रहा भाई। सो गाइस ये देखो मेरे यहाँ से व्यू, खतरा व्यू है पूरा। और बर्फ बर्फ भी वहाँ पे है, आपको हम बैक कैमरा से दिखाते हैं, क्योंकि सबमिट के लिए सूरज का आना बहुत इंपॉर्टेंट था आज। और सूरज आ चुका है, दैट्स अ गुड न्यूज़। एंड आपको दिखाता हूँ 3-2। ये गाइस देखो, ये हम लोग के होटल से व्यू है, ठीक है। तो खर्चा सिर्फ आप लोग के लिए किया हूँ, सो इसीलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही अमेजिंग व्यूज़ के लिए, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। वहाँ देखो सूरज पीक वहीं से। सो मेरे हिसाब से सूरज यहाँ से राइज करेगा या वहाँ से करेगा, मेरे हिसाब से। लेट्स सी कहाँ से करता है। सो दैट्स अ व्यू फॉर यू। सो देखते हैं कहाँ से क्या होता है। अभी तो हम लोग फ्रेश व्रेश होते हैं और उसके बाद लेट्स सी। सो स्टे ट्यून गाइस। सो गाइस अभी आपको मैं 6 पैक्स दिख रहा है और इस भयंकर ठंड में मैं आप लोगों के लिए कुछ डेयर कर रहा हूँ, दैट इज पुशअप, 10 पुशअप्स। भयानक ठंड है, मेरी फट रही है, गूज़बम्प्स दिख रहा होगा। सो लेट्स गो। 6 डिग्री सेल्सियस है वहाँ, देख लो बर्फ भी है, धूप भी है और विशाल भी है। रेडी गो। 1, 2, 3, 4 10 पुशअप किया, 10 दिनों शेयर कर दो। लेट्स गो, वी आर कमिंग माउंटेन, वी आर कमिंग। लेट्स, अब क्या, अब कुछ नहीं हो तो ग्लव्स पहनना है। ओह ग्लव्स टाइट हो गया है बॉस। और सो ग्लव्स भी अब आ चुका है। आज तक सिर्फ क्रिकेट विकेट कीपिंग करते हुए ग्लव्स पहना है, लेकिन अब ट्रैकिंग ग्लव्स भी पहन लिए हैं। बस और क्या है, और कुछ नहीं है, थोड़ा मफलर है, मफलर टंगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। सो योर बॉय इज ऑल सेट फॉर ट्रैक एंड बहुत भारी होने वाला है। और अभी व्यू तो आपको दिखाया, व्यू दिखा दो तो जाए एक बार आके यहाँ पे। ओ भाई क्या ही व्यू है, शानदार व्यू भाई, बॉस क्या बोलेंगे इसको, एक नंबर। सो स्टे ट्यून फॉर एन अमेजिंग व्लॉग और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा।